हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी वेल इनफ बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आ चुकी हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की तरफ से, यानी सरकारी अस्पतालों में वैकेंसी निकल के आई है ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स के लिए। बम्पर नंबर की सीट है, मतलब कि 50,000 के करीब सीट्स पर ये वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स इलिजिबल रहेंगे। ऑफिशियल ड्यूटी है ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी। तो अगर आप भी इच्छुक हो सरकारी अस्पताल में इस बम्पर नंबर की अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आपके लिए ये बहुत लाभदायक रहेगा। तो चलिए, अब ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, फटाफट से वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि आपको पहले ही बताया कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल मतलब सरकारी अस्पतालों में बम्पर नंबर की सीट पर वैकेंसी आई है। काम क्या होगा? मरीजों का पर्ची काटना, ये आपका ऑफिशियल ड्यूटी रहेगा, जैसे कि आपका 9 to 4 का जॉब रहेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बहुत अच्छा मौका है। देखिए, आपका बम्पर सीट 42,369 मतलब 42,369 सीट्स के लिए वैकेंसी रहेगी। अप्लाई का अगर बात करें कि कब से ये फॉर्म अप्लाई होगा, तो 10 फरवरी 2024 इसका डेट रहेगा। और एज की लिमिट भी ज्यादा आपको यहाँ पर मिल रहा है, एज ऑन 1 July 2024। जो 18 वर्ष से 35 वर्ष के जो भी कैंडिडेट है, जिनका मतलब देखिए 1 जुलाई 2024 के अनुसार 18 से 35 वर्ष रहेगा, सभी यहाँ पर इलिजिबल रहेंगे। यहाँ पर रिलैक्सेशन भी मिलता है, मतलब कि एज में छूट दी जाती है ओबीसी को 3 साल का और एससी एसटी को 5 साल का। अब रही बात की फॉर्म अप्लाई करोगे तो फी क्या लगेगा, किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट से कोई फी नहीं लिया जाएगा, ₹0 आपका यहाँ पर फॉर्म चार्ज रहेगा। क्वालिफिकेशन बहुत ही सिंपल है, जो भी 10th पास आउट कैंडिडेट है ऑल इंडिया के, जो भी 10th पास है इंडिया के किसी भी स्कूल बोर्ड यूनिवर्सिटी से, आपने 10th पास कर लिया, मैट्रिक पास हो, आप इलिजिबल रहेंगे। चलिए अब देखते हैं सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पहले ही बता दूं कि बिना एग्जाम के सीधी भर्ती है। तो देखिए, पहले स्टेज पर आपका होगा मेरिट बेसिस सिलेक्शन, मतलब आपके मेरिट के आधार पे कैंडिडेट्स को चुना जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो मेरिट किस आधार पे बनेगा? आपका जो 10th में परसेंटेज है उसके आधार पे। और इसमें के शॉर्टलिस्टेड जो भी कैंडिडेट हो गए उनका क्या होगा, इंटरव्यू यानी साक्षात्कार कराया जाएगा। 2 गुना टोटल पोस्ट के स्टूडेंट आएंगे इंटरव्यू के लिए, तो 2 गुना देख लेते हैं, 42,369 का 2 गुना 84,738 कैंडिडेट इसके लिए इंटरव्यू में आएंगे। उसके बाद डीबी होगा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। अब मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा तो कहाँ पर जॉब का लोकेशन होगा? तो आपका जो जॉब लोकेशन है, यूपी और बिहार के अलग अलग सरकारी अस्पतालों में आपको काम करना होगा। बहुत ही सिंपल काम है, आपने देख लिया है, जो मरीज आते हैं इलाज कराने उनका पर्ची आपको कंप्यूटर से ऑनलाइन पर्ची काटना होता है। उसके बाद आपको रहेगा कि ड्यूटी टाइम तो पहले भी बताया है 9 to 4, मतलब कि आपका 4 घंटे का ड्यूटी रहेगा, सुबह के 9 बजे से शाम के 4 बजे तक ऑफिशियल टाइमिंग है। लंच ब्रेक भी 1 आवर का मिलता है, 8 घंटे की ड्यूटी है। तो मौका बहुत अच्छा है, इसका आप अच्छे से फायदा उठाइए। आगे चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा आपको जब आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करोगे। पहला तो आपका 10वीं का जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। सेकेंड आपका कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब जाति प्रमाण पत्र, ये आपका स्टेट यानी राज्य स्तर का होना चाहिए। थर्ड आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब कि आवासीय आपके पास होनी चाहिए। फोर्थ आपका आधार या पैन कार्ड, दोनों में से कोई एक होगा चलेगा। और जो फ्रेंड्स पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, फिजिकली जो कि विकलांग कैंडिडेट होंगे, उनको अपना विकलांगता का सर्टिफिकेट यहाँ पर देना होगा। और सिक्स्थ आपका क्या होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट होगा। तो ज़्यादा यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी से ही आपको पता है कि 10 तारीख से ऑनलाइन होगा। तो ये सब अगर आपके पास नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट, आवास, ये तो जल्दी से नया बनवा लीजिए। अब चलिए, अब आपको पता है कि जॉब की लोकेशन यूपी में होगी, अब सैलरी क्या मिलेगा वो भी मैं बता देती। यूपी एंड बिहार दोनों ही जगह के सरकारी अस्पतालों में आपका सैलरी रहेगा 18,000 से 20,000 शुरुआत का सैलरी होता है।
बाद में सैलरी बढ़ाया भी जाता है, और ये आपका डिपेंड करता है कि 18 से 20,000 के बीच में अलग अलग जगह के लिए क्या आपका वहाँ पर रहने खाने का खर्च होता है उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो मौका बहुत अच्छा है, काम भी आपका ज़्यादा हैवी नहीं है। अगर आप आगे और पढ़ाई करना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो, तो आपके पास एक बेसिक नीड आपको पूरा करने के लिए ये बहुत अच्छा मौका रहेगा कि आप काम करते करते आगे अपना पढ़ाई भी कर सकते हो और भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। आई होप कि मैंने जो कुछ भी डिटेल बताया है आपको, आप सब कुछ समझ गए होंगे। कहीं पर भी कोई डाउट है, मन में कन्फ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अदरवाइज इससे रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां पर भी आप फॉलो कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके जाना ताकि सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।